गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हिंदी का हम चैप्टर 8 रीड करेंगे, पानी। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी, पानी की यह अजब कहानी। अगर नहीं होता यह पानी, जीव जंतु कैसे जी पाते, कैसे तुम सब प्यास बुझाते, कैसे चावल रोटी खाते। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी। आओ बच्चों, हम तुम्हें पानी की यह अजब कहानी सुनाते हैं। बच्चों आओ, हम तुम्हें यह अजब कहानी सुनाते हैं। पानी के बारे में इस कहानी में हम आपको बताते हैं, अगर नहीं होता यह पानी, जीव जंतु कैसे जी पाते। अगर पानी नहीं होता तो जीव जंतु कैसे जी पाते, क्योंकि पानी के बिना तो जीव जंतु जी ही नहीं सकते, मर ही जाएंगे। इसलिए उन्हें पानी की तो जीने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर पानी नहीं होता तो ये जीव जंतु भी नहीं जी पाते। कैसे तुम सब प्यास बुझाते, हम सब लोग कैसे अपनी प्यास को बुझाते। पानी की तो हमें बहुत जल्दी जल्दी पीने की आवश्यकता पड़ती है, तो जब तक अगर पानी नहीं होता तो हम अपनी प्यास कैसे बुझाते और कैसे हम जीवित रहते। कैसे चावल रोटी खाते, और अगर पानी नहीं होता तो हमारा खाना भी बनना असंभव था, क्योंकि पानी, चावल बनाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, रोटी बनाने के लिए, आटा गूंथने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही हम रोटी बनाते हैं, दाल बनाने के लिए भी। इसलिए मतलब कोई भी हम अपने खाना पीना बनाएंगे तो हमें उसमें पानी की आवश्यकता ही पड़ती है। तो अगर पानी नहीं होता तो ना तो हम अपनी प्यास बुझा पाते, ना हम खाना खा पाते, और ना ही जीव जंतु इस पृथ्वी पर जीवित रह पाते। जिस बर्तन में रख लो इसको वैसा ही बन जाता पानी। पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी की कोई शेप नहीं होती। पानी तो ऐसा होता है कि उसको किसी भी बर्तन में रख दो, वह उसी तरीके की अपनी शेप बना लेता है, आकृति बना लेता है। केस कभी भाप बन आसमान में बादल बन उड़ जाता पानी, और कभी कभी जो पानी है वह भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है, क्योंकि जब पानी को उबालते हैं तो भाप होती है, और जो भाप होती है वह आसमान में उड़ जाती है। तो यह भाप बन के भी आसमान में पानी उड़ जाता है, बादल में उड़ जाता है पानी, या धरती के भीतर जाकर भूजल में मिल जाता पानी। और जब बरसात होती है तो धरती के भीतर जाकर या धरती के अंदर जो पानी है वो धरती में ही मिल जाता है। नाव जहाज़ों को तैराकर सागर पार कराता पानी। जो नाव हैं, जहाज हैं, ये सब तैरते किस में, पानी में। अगर पानी की ही मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती, सागर नहीं होते, समुद्र नहीं होते, तो नाव जहाज भी नहीं होते और ना ही ये तैर सकते थे। ऊंचाई से अगर गिरा दो तब बिजली बन जाता पानी। और अगर पानी को हम ऊंचाई से गिराते हैं, जब पानी ऊपर पहाड़ों से गिरता है तभी बिजली बन जाता पानी, तब ये जो पानी है ये बिजली बन जाता है। गंदगी अगर इसमें मिल जाए बीमारी फैलाता पानी। और अगर किसी इसी पानी में अगर गंदगी को मिला दिया जाए, इस पानी का हम सेवन करें, तो ये पानी बीमारी फैलाता है। अगर गंदा पानी कहीं पर पड़ा होता है तो वहाँ पर मच्छर और कोई भी कीट है ना, वो उसमें पैदा होते हैं, जो चारों तरफ बीमारी को फैलाते हैं। नदी झरनों को साथ मिलाता सागर से जुड़ जाता पानी। जो नदियाँ होती हैं और झरने होते हैं, इनका जो मेल होता है ये पानी ही कराता है, और ये धीरे धीरे सागर से जुड़ जाता पानी। फिर ये जो पानी है ये सागर समुद्र से जुड़ जाता है। अगर कभी जब गुस्सा आए सुनामी भी लाता पानी। और जब पानी को कभी भी गुस्सा आ जाता है तो ये पानी सुनामी ले आता है, यानी कि सुनामी आ जाती है। पानी में बहुत ऊंचे ऊंचे उछाल आने लगते हैं, तो इस तरह के जब पानी आता है तो वह सुनामी भी बन जाता है पानी। समुद्र का जो तूफ़ान आता है, कहते हैं कि तूफ़ान आया, तो जब ये पानी को गुस्सा आता है तब ये तूफ़ान आ जाता है और सुनामी बन जाता है, तूफ़ान ले आता है। जल में थल में सब में पानी, हम सबका जीवन है पानी। जल में यानी कि जो पानी है वो पानी में है, थल में यानी कि जमीन में भी पानी है, हम सबका जीवन पानी है, और हम सबका जो जीवन है वह पानी है। जीवन हमारा पानी, क्योंकि पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और कोई भी जीव जंतु
पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए हम सब मनुष्यों का, जीव जंतुओं का जीवन ही पानी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको सेंड की जाएगी। वर्कबुक का कार्य, सॉरी टेक्स्ट बुक का कार्य आपको टेक्स्ट बुक में करना है, और नोटबुक का कार्य आपको नोटबुक में करना है। सो थैंक यू।